परम प्रिय बंधु, सब सज्जन मुझे पूछते हैं कि महाराज हम बड़े कैसे बनेंगे। भाई बड़े बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो जहां से बन के जाना है, तहसीलदार भी जहां से बनना है, डीसी भी जहां से बनना है, मंत्री भी जहां से बनना है, प्रधानमंत्री भी जहां से बनना है, हर चीज जहां से बन के जाना है। कुत्ता भी जहां से बनना है, सूर भी जहां से बनना है, पशु भी जहां से बनना है, पक्षी भी जहां से बनना है, देव भी जहां से बनना है, भूत प्रेत भी जहां से बनना है, तो लड्डू भी जहां से लेने हैं, बर्फी भी जहां से लेके जानी है, बादाम काजू भी जहां से लेना है, घी भी जहां से लेके जाना है, छुआरे भी जहां से लेने हैं, बादाम भी जहां से लेके जाना है, आटा भी जहां से लेके जाना है, रोटी भी जहां के लेके जानी है, और जल भी जहां से लेना है। ऊपर तो है ही कुछ नहीं, खाओगे क्या, खाओगे क्या, पुत्र भेजेंगे? आज का पुत्र एक जो के पिंड नहीं देगा, हाँ देख नहीं रहे। जब पंडित आता है तो कहता है पिंड देने हैं तो कितने छोटे छोटे, एक 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 लोटा पानी और एक पिंड, तो वो भी पुत्र नहीं देगा तुम्हारा, उधर बुरी हालत होगी। आप कहोगे देखा देखा नहीं, आप देख नहीं रहे। कुछ लोगों को रोटी खाने के लिए कोई अरबपति बन गए, देख नहीं रहे आप, कोई अंधा है, कोई बहुत सुंदर है, देख नहीं रहे किसका नाक इतना मोटा है और किसका नाक इतना सुंदर भगवान ने बनाया है कि हमें लगता है कि पता नहीं कितने महीने लगाए होंगे। किसी की आंख देखो, ऐसे लगता है भगवान ने कितना समय लगाया हो, कहीं को दांत देखो वो इतने सुंदर है कि पता नहीं कितना समय लगाया, और किसी किसी को इतने इतने मोटे दे दिए कि देख के लोग भाग जाते हैं। देख नहीं रहे, कर्म भोगना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल में छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, 100-100 इंजेक्शन लग रहा है, आप नहीं देख रहे, उसने बच्चे ने कोई पाप कर्म किया था, पिछला करके आया है तो भोग रहा है, ऐसे मुझे और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव बोलो, पार्वती पारी यमदेव शनिदेव लगा लो, ईशा मृत्यु मंत्र है रे, ईशा मृत्यु। और अगर आपको कोई तकलीफ हो, हनुमान जी की कृपा से फोन पे बात कर लेना, उसी वक्त हनुमान जी ठीक कर देते हैं, 80% ठीक कर देते हैं, 20 नहीं करेंगे। जिसने माँ बाप को कष्ट दिया, जिसने गरीबों को कष्ट दिया, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, ना डॉक्टर ठीक करेंगे ना कोई साधु संत।